परम मंगलमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित परम आदरणीय वंदनीय गुरुदेव भगवान अयोध्या से पधारे संत जी महाराज एवं सभी भक्तवृंद और मूल पारायण का पाठ करते विप्रवृंद सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह के तृतीय दिवस में जो कि अजंता एलोरा की गुफाओं के शहर में औरंगाबाद शहर में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित हो रही है और उसमें जो जितने भी प्रेमी जन भक्त जन यहाँ पधारे हैं आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन है। आइए
हम लोग आज तृतीय दिवस में सुखदेव महाप्रभु का आह्वान करें और यथामति इस भागवत रूपी भागीरथी में अवगाहन करने का प्रयास करें। लेकिन इसमें प्रवेश करने से पहले, जैसा कि नियम है, मात्र 2 मिनट मनवाड़ी को पवित्र करेंगे संकीर्तन से। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, 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 मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के नहीं गूंजेगा तब तक राधे राधे आपको बोलते रहना पड़ेगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे जय हो। कशा आहात? चांगला, खूब चांगला। आइए, कल के सत्र में हमें देखना है कितने लोगों ने ध्यान से कथा सुनी है,
क्योंकि कल 6 प्रश्न पूछे थे और उनका उत्तर श्रीमद् भागवत में मिलना शुरू हो गया है। कौन से 6 प्रश्न थे? पहला प्रश्न था, मानव मात्र का कल्याण कैसे हो? कलयुग के हम लोग जीव हैं, हम लोगों का कल्याण कैसे हो? दूसरा, ग्रंथ बहुत है, अध्ययन करने का समय नहीं है, वेद शास्त्र बहुत है, सार बताइए, समरी, कुछ घी दे दीजिए, दूध दही बनाने का समय नहीं है, सीधे घी, सार बताइए। तीसरा, ठाकुर जी के अवतार के हेतु क्या हैं, कारण क्या हैं? चौथा, अगर ठाकुर जी ने अवतार लिए तो कब कब कहां कहां किस किस रूप में लिए? इनके उत्तर पीछे कितने अवतार हो गए कल के सत्र में, इसीलिए हम पीछे की बात दोहरा रहे हैं। आप में से कितनों को याद है कल कितने अवतार हुए ठाकुर जी के? कितने अवतार? वराह अवतार का कल हुआ, कपिल अवतार हुआ और कितने लोगों को ध्यान था? तो आज हम लोग आज से ध्यान से उत्तर ढूंढते चलेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा कब कब कहां कहां कितने अवतार हुए और फिर मानव मात्र का प्राणी मात्र का लक्ष्य क्या है, ये पांचवा प्रश्न था। और छठा प्रश्न, जब ठाकुर जी लीला सम्मरण करके चले गए तो धर्म किनकी शरण में गया? आप लोगों को सबको पता ही होगा कि ठाकुर जी ने 24 ठाकुर जी के 24 अवतार, 24वां कल की अवतार होगा, और जिसमें कि 10 अवतार प्रमुख हैं। तो ताकि आप लोगों को याद रहे, ध्यान में बना रहे, आइए हम लोग ठाकुर जी के सारे अवतारों को एक बार गा के, बच्चों को गा के जल्दी याद हो जाता है, ऐसे हम आपको अवतार याद कराएंगे तो याद नहीं होगा। तो ध्यान से गिनते चलिएगा कहां कहां अवतार हैं और 24 हुए कि नहीं हुए। सब लोग ध्यान से अवतारों पे ध्यान देंगे। सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जय नारायण नारायण जीवन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण। धर करके पृथ्वी को लाते हैं, श्री नारायण के
गाते हैं नारद जी की वीणा धुन पे प्रभु नाम गाते हैं श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं जय जय नारायण नारायण श्री नारायण नारायण जय जय नारायण पूर्ण कला से पड़ी
घोड़े की ग्रीवा को धार कर कहलाए हरि जी, बुद्ध रूप धर करके हो, बुद्ध रूप धर करके बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध रूप धर करके करुणा पाठ पढ़ाते हैं, नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। अवतार और हम लोग कल कपिल जी के अवतार तक पहुंचे हैं। आज फिर गिनिएगा कि कौन कौन से अवतार होंगे। आज कल हम लोगों ने माता देवहूति और कपिल मुनि को साथ में छोड़ा था। उनके बीच में 8 अध्यायों में चर्चा हुई है। कपिल भगवान ने अपनी माता को समझाया है, अष्टांग योग का निरूपण किया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इन सब अष्टांग योग, इन सब का विवेचन किया कपिल मुनि ने।